इंडिया के बीचों बीच एक कहानी शुरू होती है, भक्ति, रहस्य और ज्ञान की एक अनोखी राह की कहानी। ये है बाबा कीनाराम, पूजनीय अघोरी साधु की कहानी। 1601 ईस्वी में जन्मे, उनकी जिंदगी शुरू से ही दिव्यता से जुड़ी हुई थी। बाबा कीनाराम का जन्म रामगढ़ में हुआ था, जो आज के उत्तर प्रदेश में बसा एक गांव है। उनके माता पिता अकबर सिंह और मनसा देवी कई सालों से एक बच्चे की चाहत रखते थे। उनकी प्रार्थना आखिरकार सुनी गई, लेकिन बच्चे का आना असाधारण था। जन्म के 3 दिनों तक बाबा कीनाराम चुप रहे। वो दूसरे बच्चों की तरह रोए नहीं, उन्होंने अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया। गांव वाले फुसफुसाते रहे, इस अजीब बच्चे के बारे में क्या सोचें समझ नहीं आ रहा था। फिर 3 भटकते हुए साधु उनके दरवाजे पर आए। कहा जाता है कि वो साधु भगवान सदाशिव के अवतार थे। वे चुपचाप बैठे शिशु के पास गए और उसके कान में प्राचीन मंत्र फुसफुसाए। उसी क्षण बाबा कीनाराम ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने चिंतित माता पिता की तरफ देखा और आखिरकार रो पड़े। लेकिन उनका रोना तकलीफ का नहीं था, ये जागरण की आवाज थी। जैसे जैसे बाबा कीनाराम बड़े हुए, उन्होंने आध्यात्मिक दुनिया से गहरा संबंध दिखाया। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वे प्रार्थना और ध्यान में मग्न रहते थे। वे भक्ति गीतों में खो जाते थे। उनकी आवाज में उनकी उम्र से कहीं ज्यादा ज्ञान होता था। उनके माता पिता उन्हें विस्मय और आशंका के मिश्रण से देखते थे। वे अपने दिल में जानते थे कि उनके बेटे का रास्ता उनसे बहुत अलग है। उनके साधारण घर आने वाले ज्योतिषियों ने उनकी शंकाओं की पुष्टि की। उन्होंने युवा कीनाराम के लिए अपार आध्यात्मिक शक्ति के जीवन की भविष्यवाणी की। ज्योतिषियों ने एक परेशान करने वाली भविष्यवाणी भी की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कीनाराम सांसारिक बंधनों में बंधे रहे तो उनका जीवन छोटा हो जाएगा। उनके लंबे जीवन और महानता को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक क्रांतिकारी उपाय बताया, एक प्रतीकात्मक बिक्री। परंपरा और अपने बेटे के लिए अपने प्यार के बीच फंसे अकबर सिंह और मनसा देवी इस असामान्य अनुष्ठान के लिए तैयार हो गए। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अपने बेटे को ईश्वर को बेच दिया, उन कर्मों के बंधनों को तोड़ दिया जो उनके आध्यात्मिक विकास में बाधा बन सकते थे। ये एक दिल दहला देने वाला फैसला था, लेकिन उनका मानना था कि ये उनके बेटे की नियति की रक्षा करने का एकमात्र तरीका है। सांसारिक मोह से मुक्त होकर बाबा कीनाराम ने अज्ञात में अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने घर का आराम छोड़ दिया और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। उनका रास्ता उन्हें हिंदू धर्म के सबसे अपरंपरागत कोनों तक ले जाएगा, जहां वे अघोरी परंपरा के ज्ञान को अपनाएंगे। बाबा कीनाराम का भ्रमण उन्हें पवित्र गंगा नदी के तट पर ले आया। यहीं पर उनकी मुलाकात उनके गुरु पूजनीय बाबा शिवराम जी से हुई। शिवराम जी एक प्रसिद्ध अघोरी साधु थे, जो अपनी कट्टरपंथी प्रथाओं और गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने युवा कीनाराम के भीतर दिव्यता की चिंगारी को पहचाना और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। दीक्षा समारोह एक ऐसी घटना थी जो अघोरी इतिहास के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। जैसे ही बाबा शिवराम जी ने पवित्र अनुष्ठान शुरू किए, कुछ चमत्कारी हुआ। हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी शक्तिशाली गंगा उफान पर आने लगी। उसका पानी ऊपर और ऊपर उठता गया, मानो युवा दीक्षित के प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहा हो। नदी का प्रवाह प्रकृति के नियमों को धता बताता प्रतीत हुआ तो देखने वाले अचंभे में डूब गए। पानी बाबा कीनाराम के पैरों तक पहुंच गया, धीरे से उनके टखनों पर थपथपाया, जैसे उनका आशीर्वाद मांग रहा हो। ये एक स्पष्ट संकेत था, नदी देवी ने स्वयं एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु के आगमन को स्वीकार किया। बाबा शिवराम जी के मार्गदर्शन में बाबा कीनाराम ने अघोरी प्रथाओं के गूढ़ संसार में प्रवेश किया। उन्होंने भौतिक दुनिया के भ्रम से परे देखना और ब्रह्म की परम वास्तविकता को अपनाना सीखा। उनके दिन गहन ध्यान, गहन अनुष्ठानों और सभी प्राणियों की निस्वार्थ सेवा में बीतते थे। एक दिन पवित्र शहर वाराणसी में ध्यान करते हुए बाबा कीनाराम ने एक गहन दृष्टि का अनुभव किया। दिव्य त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके सामने दिव्य प्रकाश में प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें एक पवित्र मिशन सौंपा, प्राचीन अघोरी परंपरा को पुनर्जीवित करना और मानवता को ज्ञान की ओर ले जाना। इस दिव्य मुलाकात से सशक्त होकर बाबा कीनाराम अपनी नियति को पूरा करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की, अपनी बुद्धि साझा की और सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी।
उन्होंने बहिष्कृत और हाशिए पर रहने वालों को गले लगाया, सभी प्राणियों के भीतर निहित दिव्यता की याद दिलाई। भाग 6, कीनाराम की शिक्षाएं। बाबा कीनाराम की शिक्षाएं हिंदू धर्म की रूढ़िवादी व्याख्याओं से एक क्रांतिकारी प्रस्थान थी। उन्होंने द्वैत को पार करने, सभी चीजों की परस्पर संबद्धता को अपनाने और हर जीवित प्राणी के भीतर दिव्य चिंगारी को पहचानने के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि सच्ची आध्यात्मिकता कर्मकांड और हठधर्मिता में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और बिना शर्त प्रेम में है। उनकी सबसे गहन शिक्षाओं को विवेकसार, राम गीता, राम रसल और उन्मुनि राम सहित कई ग्रंथों में संकलित किया गया था। विशेष रूप से विवेकसार को अघोरी सिद्धांतों पर सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह अघोरी दर्शन ब्रह्मांड विज्ञान और प्रथाओं की गहराई में जाता है। इस अक्सर गलत समझी जाने वाली परंपरा में एक दुर्लभ झलक पेश करता है। बाबा कीनाराम के लेखन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं थे। उन्होंने पारंपरिक सोच को चुनौती दी, अपने अनुयायियों से सतही से परे देखने और जीवन और मृत्यु की कठोर वास्तविकताओं का सामना करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि सच्ची मुक्ति अस्तित्व के सभी पहलुओं को अपनाने से आती है, यहां तक कि जिन्हें वर्जित या अपरंपरागत माना जाता है। भाग 7, एक राजा का पछतावा। बाबा कीनाराम की आध्यात्मिक क्षमता निर्विवाद थी। उनके चमत्कारों और अलौकिक क्षमताओं की कहानियां दूर दूर तक फैली, जिससे भक्त और संशयवादी दोनों ही आकर्षित हुए। ऐसी ही एक कहानी काशी के राजा से जुड़ी है, जो एक शक्तिशाली शासक था जिसने अघोरी गुरु की शक्तियों का परीक्षण करने का साहस किया। अभिमान से अंधे होकर राजा ने बाबा कीनाराम के आध्यात्मिक अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। अहंकार के क्षण में उसने साधु को चुनौती दी, चमत्कार करने की उसकी क्षमता पर सवाल उठाया। भारी मन से बाबा कीनाराम ने राजा को इस तरह के अहंकार के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने समझाया कि सच्ची शक्ति सांसारिक संपत्ति या उपाधियों में नहीं, बल्कि दिव्य के प्रति विनम्रता और समर्पण में है। हालांकि राजा असंबद्ध रहा। बाबा कीनाराम की अवज्ञा से क्रोधित होकर उसने उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया। जैसे ही अघोरी गुरु जाने के लिए मुड़े, उन्होंने एक भविष्यवाणी की जो आने वाले वर्षों तक राजा को सताती रहेगी। उसने घोषणा की कि राजा के वंश को आने वाली पीढ़ियों तक बांझपन का श्राप दिया जाएगा। भाग 8, क्रिमकुंड की विरासत। बाबा कीनाराम ने एक लंबा और पूर्ण जीवन जिया, जो आत्माओं को ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित था। जब पृथ्वी पर उनका समय समाप्त हुआ, तो उन्होंने वाराणसी के क्रिमकुंड में मोक्ष की अंतिम अवस्था महासमाधि प्राप्त की। यह पवित्र स्थल उनके भक्तों के लिए तीर्थ स्थल बन गया, जो अघोरी गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए आते थे। उनकी समाधि एक साधारण मकबरा, जहां उनके भौतिक शरीर को आराम करने के लिए रखा गया था, आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। भक्तों का मानना है कि बाबा कीनाराम की आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी क्रिमकुंड में हवा में व्याप्त है, जो उनके आशीर्वाद चाहने वालों को सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करती है। मृत्यु में भी बाबा कीनाराम का प्रभाव बढ़ता रहा। वे अघोरियों के स्वामी अघोरेश्वर के रूप में जाने गए और उनकी शिक्षाएं भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक फैल गईं। उनके शिष्यों, जिन्हें कीनारामी के नाम से जाना जाता है, ने दुनिया के सभी कोनों तक प्रेम, स्वीकृति और आध्यात्मिक मुक्ति का संदेश पहुंचाया। भाग 9, अघोरी ज्वाला। बाबा कीनाराम की कहानी आध्यात्मिकता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी, बहिष्कृत लोगों को गले लगाया और सभी प्राणियों के भीतर निहित दिव्यता की याद दिलाई। उनकी शिक्षाएं, हालांकि कट्टरपंथी और अक्सर गलत समझी जाती है, दुख से मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है और अस्तित्व की अंतिम वास्तविकता में एक झलक प्रदान करती है। बाबा कीनाराम की विरासत न केवल उनके भक्तों के दिलों में, बल्कि अघोरी परंपरा के निरंतर अभ्यास में भी जीवित है। उनका जीवन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची आध्यात्मिकता हठधर्मिता और कर्मकांडों से परे है। हमसे अपने भीतर देखने और हम में से प्रत्येक में रहने वाली दिव्य चिंगारी को अपनाने का आग्रह करती है। अघोरी मार्ग सभी के लिए नहीं है। यह गहन आत्म अनुशासन, अटूट विश्वास और मानव अस्तित्व के सबसे अंधेरे पहलुओं का सामना करने की इच्छा का मार्ग है। लेकिन जो लोग इसके लिए बुलाए जाते हैं,
उनके लिए यह आत्म खोज की एक गहन यात्रा और वास्तविकता की प्रकृति में एक झलक प्रदान करता है।